इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, सुधरेंगे। लेकिन सर एक चीज़ और है, अगर हम कश्मीर के इशू को देखें और कश्मीर को लेके चलें, साथ आप तो स्पोक्स पर्सन भी हैं जम्मू कश्मीर में, तो अभी जो 370 का किया है उन्होंने, हटाया है ये रूल, तो उसको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से मेजॉरिटी ऐसी है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मैं कोई दावा नहीं कर रही कि मैं ठीक बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि 370 होना चाहिए था, मेजॉरिटी जो है वहाँ पे स्पेशली मुस्लिम्स की, वो ये चाहती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर का जो रिलेशन है वो दिल्ली में जो मेन गवर्नमेंट है उसके साथ कैसे आप देखते हैं कि अगले सालों में कैसा रहेगा या अभी किस तरह से डेवलप हो रहा है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 370 को मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, पर मुस्लिम देश होने का मतलब यही ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेका भी आप लेने रखा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम अपनी जगह पे खुश हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है तादाद में, और मुसलमानों के जितने भी 60 के करीब सेक्ट होते हैं, जो सब सेक्ट होते हैं, वो हिंदुस्तान में है, शायद पाकिस्तान में ना हो, तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं। तो इसे सब ये मैं यही कहता हूं कि एक गलती जो पाकिस्तान हुक्मरानों ने की है, खासकर कश्मीर को लेके, इसे एक मजहब के साथ जोड़ा है, ये मजहबी मुद्दा नहीं था। देखिए, अगर आप 47 की ट्रीटी के ऊपर जाएंगे या इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के ऊपर जाएंगे, तो जो हुक्मरान थे उनको पूरा हक था, अवाम को हक नहीं था। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसके मुताबिक हुक्मरान ने ही डिसाइड करना था कि कौन सी रियासत किसके साथ मिलेगी, और उसी हक का, उसी राइट का फायदा इस्तेमाल करते हुए महाराजा हरि सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय का फैसला किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के बदले में क्या दिया उनको? हमला। उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी उस वक्त महाराजा हरि सिंह के पास कि वो अपना विलय भारत के साथ करते, वो हुआ। और उसके बाद इस बात को मानना कि यह ठीक नहीं था, पाकिस्तान हमारे पास आना चाहिए था, यह कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, इसको एक मुद्दा बना लेना, ही मैं कहता हूं गलत बात थी। अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ कमी पेशी थी, जैसे इंडस वाटर को शेयर करना था, इसकी एग्रीमेंट बनी, बाकी मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को लेकर नहीं है, पानी को लेकर है, और पानी आपको मिलता रहेगा, यह यकीन हमेशा आपको भारत ने दिलाया है। उसके बाद भी अगर आप इसको एक मुद्दा बना लें, और खासकर एक रिलीजियस मुद्दा बना लें मजहब के बुनियाद के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हम इस बात को मानते हैं कि इट्स अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, बट इट इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को मानते हैं तो फिर आपको यह भी रियलाइज करना पड़ेगा कि 370 जो है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान था, वो प्रावधान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, और उस दैट डिसाइडेड रिलेशनशिप बिटवीन, क्योंकि जम्मू कश्मीर और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी तो उस वक्त ये 1947-48 की लड़ाई चल रही थी, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो किस प्रकार उसका रिलेशनशिप होगा भारत के साथ, वो नहीं डिसाइड हो चुका, क्योंकि बाकी रियासतों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का एक्सेप्ट करके उसका हिस्सा बने, इसलिए एक रिलेशनशिप के लिए एक टेम्पररी प्रोविजन बनाई गई आर्टिकल 370, जो कि टेम्पररी थी, और उस टेम्पररी प्रोविजन को पार्लियामेंट ने ही, भारत की पार्लियामेंट ने दो तिहाई मत के साथ, जो कि प्रोसीजर है, उसको उन्होंने इनएप्लीकेबल कर दिया है। आपकी बात ठीक है कि कुछ सेक्शन है, मैं नहीं कहता कि सारी सेक्शन इससे कुछ है, कुछ सेक्शन अभी भी नाराज हैं, वो स्टेटस को चाहती हैं, लेकिन वो भारत का अंदरूनी मामला है, क्योंकि आपने तो 370 पहले ही तोड़ दिया था, आपने जो रियासत के लोगों के हकूक थे, जैसे स्टेट सब्जेक्ट वगैरह थे,
वो तो आपने जो आप जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वहां पर पहले तोड़ दिया था, गिलगित बाल्टिस्तान में तो आपने इसको 60s में तोड़ दिया था, तो हमने उस वक्त आपको कुछ नहीं बोला, अब हमारे इलाके में हुआ है तो आपको इससे बुरा क्यों बुरा लगना चाहिए, आपको इसको भारत का अंदरूनी मामला समझना चाहिए, और भारत का अंदरूनी मामला ये है, अगर ये भारत का अंदरूनी मामला है तो भारत इसको रिजॉल्व करने में भी सक्षम है। सर चलें कम से कम आपसे आई एम सो हैप्पी कि आपने कम से कम पानी का नाम तो लिया, वरना तो कोई पैनलिस्ट चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से कोई ये बात करते ही नहीं कि कश्मीर से जो सबसे बड़ा इशू है वो वहां पे पानी का है, तो इस चीज को तो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये तो मोदी जी ने कह चुके हैं एक दफा अपने किसी स्पीच में कि मैं पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर दूंगा, चाहे उन्होंने वैसे जज्बात में कह दिया हो। नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, आप सुनिए, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो फालतू पानी, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, जो पानी जितना पाकिस्तान को मिलना चाहिए पाकिस्तान को उससे ज्यादा जा रहा है, अगर हम वही पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी बना लें तो हम हमारी जो यहां पर शॉर्टेज है बिजली वगैरह की, हम उसको दूर कर सकते हैं, उनका ये मकसद था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद क्यों करें, देखिए हमारे भी तो नदियां चीन से आती हैं, ये तो ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और ना ही हम भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, भारत कभी भी पाकिस्तान की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। होना भी यही चाहिए सर, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे ना, तभी सब लोग आराम से रह सकेंगे, इसलिए कि ये कब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी, कब तक एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ और बताएं कि आप क्या जो अभी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब आप भी हैं जैसे, तो आप लोग बीजेपी को क्यों सेलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी लोग, क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए ऐसा है कि हमारा जो मोटो है, हमारी जो ट्रेनिंग एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, और हमें हमेशा शुरू से सिखाया जाता है योर नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, और इत्फाकन। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। अब देते हैं इस वीडियो का रिएक्शन, करते हैं इस वीडियो के बारे में बात। तो आपको पता होगा आरजू काजमी बेसिकली ये रोज़ न्यूज़ पर अपना एक प्रोग्राम करती थी, हालांकि अब रोज़ न्यूज़ से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अब इसका रीज़न पता नहीं है कि इनको निकाला गया है कि इन्होंने रिज़ाइन दिया है, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन मीडिया में ये काफ़ी आ रही है और यूट्यूब चैनल में इंडियन से इंट्रैक्शन काफ़ी इनका ज़्यादा हो रहा है, तो इनका जो इंट्रैक्शन हो रहा है इंडियंस के साथ शायद रोज़ न्यूज़ के ऑनर्स को ये बात अच्छी लगी नहीं होगी, तो इस वजह से इनको निकाल दिया गया होगा या इन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया होगा, इसके बारे में अभी किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज इन्होंने लिया इंटरव्यू भारत के रिटायर्ड फौजी लेफ्टिनेंट अनिल गुप्ता जी का। अनिल गुप्ता जी ने जो एक्सप्लेन किया है आपने सुना कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 360 के बारे में बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और अनिल गुप्ता जी आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है, और आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जम्मू में ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को कामयाबी मिली थी, इन्होंने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों इस इंटरव्यू में आपने देखा कि अनिल गुप्ता जी ने कितने अच्छे से बताया है कि पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान उन गलतियों से आगे निकल सकता है। हालांकि उन गलतियों से पाकिस्तान आगे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पास्ट में जीता है और जो लोग पास्ट में जीते हैं वो पास्ट के ही होते हैं। पाकिस्तान को अभी भी बस मुगलिया सल्तनत, ऑक्टोमन एम्पायर और ये वो किस्तनतुनिया, आपको पता है इर्दगुल गाजी, सलाहुद्दीन अयूबी, इसी तरीके के लोग पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिमाग में भरे पड़े हैं और पाकिस्तानी पास्ट पास्ट की ही मतलब पास्ट में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तानी गजबाए हिंद ये वो इसी तरीके की बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी इस तरीके की बात करकर लोगों को चौंका दिया। आप समझ सकते हैं शोएब अख्तर इंडिया में कितने पॉपुलर हैं, शोएब अख्तर की पॉपुलरिटी का अंदाज़ा इसी से बात से लगाया जा सकता है कि शोएब अख्तर के 90% जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर है वो इंडियन हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन शोएब अख्तर ने भी बोला कि कश्मीर फतह करेंगे, गजवा हिंद करेंगे,
ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की बातें की। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद।